तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरजे जी कॉन्सेप्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का पार्ट टू। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम उनके फैक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके एक शेयर और एक लाइक की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, नर एनोफ्लीज मच्छर का भोजन क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, नर एनोफ्लीज भोजन का मच्छर क्या है? तो जो नर एनोफ्लीज मच्छर है उसका भोजन होता है फूलों का रस, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपने सुना होगा कि मादा एनोफ्लीज, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर वो क्या होता है? मलेरिया रोग का वाहक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और वो मनुष्य के रक्त को चूसता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो, ल्यूकेमिया जिसको हम कहते हैं रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसके सामान्य वर्दी से? तो ल्यूकेमिया जो कि रक्त कैंसर होता है वो WBC की सामान्य वर्दी से होता है, और WBC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, क्वेश्चन ये तो बनता ही है, पर एक क्वेश्चन और अच्छा सा बन सकता है कि RBC होती है रेड ब्लड सेल्स, इसकी अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो RBC की अधिकता होगी तो उसके कारण होगा पॉलीसाइथेमिया रोग होगा RBC की अधिकता से। और अगर RBC की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा होता है फ्रेंड्स? एनीमिया रोग, जिसे हम कहते हैं रक्त अल्पता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अब देखिए, जैसे ही धातु तार को विभवांतर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेंगे, और हमेशा धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है, तो इधर से ये धारा बहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टील कार्बन का प्रतिशत है, यानी स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स? 1 से लेके 1.5, यानी 1.5% तक स्टील के अंदर कार्बन का प्रतिशत है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस जैविक यौगिक द्वारा किण्वन की क्रिया संपन्न होती है? तो एंजाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, एंजाइम। तो एंजाइम के द्वारा जैविक, एंजाइम एक ऐसा जैविक यौगिक है जिसके द्वारा किण्वन, जिसे क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, किण्वन का अर्थ होता है सड़ाना या गलाना, ठीक है फ्रेंड्स। एंजाइम द्वारा होने वाले अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं, और ये अभिक्रिया O2 की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण होती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है अभिक्रिया। और देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि सिरके का बनना, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका एग्जाम्पल है। सिरके का बनना एक क्या है? किण्वन की अभिक्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाख किससे बनाई जाती है। अब ये लाख क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लाख एक मादा कीट से बनाई जाती है लाख। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है। पहली बात, लाख क्या है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। लाख एक मादा कीट जिसका नाम है लेसीफर लक्का, ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट नाम है। लेसीफर लक्का नामक एक कीट है, उससे बनाया जाता है लाख, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, लाख का यूज़ क्या क्या है, इसके यूजेस समझ लिए। जैसे पॉलिश में, चमड़े में, ग्रामोफोन, बटन, चूड़िया इत्यादि बनाने में लाख का उपयोग किया जाता है, और ये किससे प्राप्त होता है? लेसीफर लक्का नामक कीट से। किससे फ्रेंड्स? कीट से। तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा, ये कीट से बनाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी हत्यारे की पहचान या बलात्कार के दोषी को पहचान करनी है तो आप कौन सी विधि द्वारा परीक्षण करवाना सुझाव देंगे? यदि किसी हत्यारे या बलात्कारी के दोषी की पहचान करनी है तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो ऑप्शन 2 इसका क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा करवाने का हम उन्हें सुझाव देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग इसके जनक किसको कहा गया है? एलेक जेफरी नामक व्यक्ति के द्वारा।
एलेक जेफ्री नामक व्यक्ति के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई है और एलेक जेफ्री को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाने का श्रेय किसे दिया गया? तो डॉक्टर लाल जी सिंह, ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर लाल जी सिंह जी को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाने का श्रेय दिया जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि जंतु में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिससे वह खाली जगह से ऊर्जा प्राप्त कर सके, तो ये खाली जगह की जगह क्या आएगा? तो जंतुओं के अंदर वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके कारण वह पानी से, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सके फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस भाग में पाचन एवं श्वसन नली एक दूसरे को क्रॉस करती है? तो पाचन और श्वसन नली क्रॉस करती है ग्रसनी में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ईंट के भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान गर्मी में ठंडे व शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं क्योंकि, अब ये तो सीधा सा क्वेश्चन है क्योंकि कच्ची मिट्टी क्या होती है, बुरी चालक होती है। तो अब देखिए इससे होगा क्या, आपको समझाता हूँ मैं, कि जैसे गर्मियों के अंदर बाहर का तापमान अधिक होता है और कच्ची मिट्टी के बने मकानों के अंदर तापमान कम होता है, तो मिट्टी क्या करती है, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करने देती है, जिसके कारण क्या होगा कि वातावरण ठंडा रहेगा गर्मियों में और शीतकाल में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो रहा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, फ्रेंड्स वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है उसका नाम क्या है? पहले तो कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाने वाला सीधा ऑप्शन दिख रहा है, रेडियम। अब देखिए इसके बारे में आप जानिए, रेडियम के बारे में, ठीक है, रेडियम है पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी ने यूरेनाइट से कृत्रिम रूप से रेडियम को प्राप्त किया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ब्रेक लगाने पर वाहन अगर रुकता है तो उसे हम कहते हैं घर्षण बल। सहसंयोजक बल तत्वों में पाया जाता है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर होता है और वैन डर वाल बल एक कमजोर बल है, और घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं और घर्षण बल के कारण ही हम रुक पाते हैं, तो ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल कौन सा है? घर्षण बल। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि, हीरे इसकी संरचना बहुत सघन होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा, संरचना सघन के कारण वह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके कारण हीरा क्या करता है, विद्युत प्रवाहित नहीं कर पाता। अब यही इसका उल्टा ग्रेफाइड भी एक अपरूप है परंतु वो विद्युत धारा प्रवाहित करता है, कारण क्या है ग्रेफाइड में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से पाया जाता है जिसके कारण वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जब अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? तो सिंपल सी बात है, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भारहीनता महसूस होती है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक गर्म वस्तु से का उत्सर्जन होता है, खाली जगह के अंदर क्या आएगा कि प्रत्येक गर्म वस्तु से का उत्सर्जन होता है? अब देखिए प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इंफ्रारेड। और देखिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, रिमोट में सेंसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, सेंसर से निकलने वाली तरंग कौन सी होती, अवरक्त किरणें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।